कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं तौफीक पा। और भाई देखने जा रहे हैं एपिसोड 98 का पहला पार्ट, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई पिछले पार्ट में जैसा हमने देखा बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे सती जी चाहती थी। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। आएंगे भी आएंगे, छोड़ दो। अच्छा ओए होए, पीछे हट गए साहब के साथ, राजा पीछे हट गए, मैदान खाली छोड़ा जाए। फूलों के साथ ही आया था, फूलों के साथ ही आना यार, इतने मुश्किल से जो पहना है। तकारिए और मुस्कुराइए। वो सारे तार के बुलाने यार, म्यूजिक है। एंड हो गया यहाँ पर, एंट्री चेक करो। फर्स्ट टाइम जब आए थे वो ही क्या बात है भाई, कमाल हो गया। पूरे भवन में एक ही आवाज गूंजेगी। प्रजापति का कुछ तो थोड़ा बहुत लिहाज रखेंगे। ये होती है इंट्री, बरात तो भाई साथ ही आनी थी। सही बात, ये वही है जिन्होंने वो मंत्र दिया। आज है ना संसार को जैसे माता पिता मिल गए बहाने। अपने माता अभिशक्ति के प्रेम को स्वीकार उसे विवाह करें। यार नंदी जी किधर रहे यार, के लिए इससे बड़े हर्ष की बात। नंदी जी वहां तैयारी कर रहे होंगे। यह आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है प्रजापति दक्ष। वाह ब्रश, आपकी पुत्री ने स्वयंवर में महादेव का वरण किया। संसार के परम पिता परमेश्वर आपके जमादार होंगे। ओहो, यह संभव है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। बस सब में प्रजापति बस है वही है। जंग क्यों नहीं हो सकता? क्या बात है, हो नहीं सकता। इधर आए ना प्रजापति, ऐसे तो नहीं चीजें चलती ना यार, ऐसे होता है।
आज भी परसुति जी ने एंड कर दिया। परसुति जी ने बोला है, चले यहाँ बोलने वाले बोलते रहते हैं। तेरी तपस्या सफल हुई सती, सफल हुई। प्रजापति दक्ष ने अभी हमारे विवाह को सहमति नहीं दी। हमारे विवाह को मान्यता तभी मिलेगी जब प्रजापति दक्ष से स्वीकार करे। मुझे ये विवाह पसंद नहीं है। में बिन बुलाए अतिथियों का स्वागत नहीं किया जाता है। कौन जमाता, कैसा जमाता? अब अपना गुस्सा निकालेंगे। खैर खैर खैर, मेरी दृष्टि में पति ने अभी तक अपना पर चुना ही नहीं। मैं इस विवाह को कोई मान्यता नहीं देता। आप क्या कह रहे हैं प्रजापति दक्ष? पति ने शिव का वरण किया है, तभी तो महादेव यहां आए। बराबर के मान्यता देने या ना देने का प्रश्न ही कहां उठता है प्रजापति? महादेव और सती का विवाह हो चुका है। माता धीरज रखे। नहीं ऋषि कश्यप, नहीं नहीं नहीं, सही कर रहे हैं, सही। प्रजापति दक्ष सत्य कह रहे हैं, ये सती के पिता का और इस नाते स्वीकृति का अधिकार इनका है। तो अब आपकी ये कौन सी चाल है महादेव? ये चाल नहीं, आपकी इज्जत है। संसार आपको भगवान कहता है जी, परंतु मेरे आप केवल केवल एक षड्यंत्रकारी। मैं जानता हूं आपने ये सब जो किया है, ये मुझसे अपनी शत्रुता के कारण किया। उन्होंने तो शत्रुता दिखाई नहीं करती। सबसे पहले आपने मेरी पुत्री को अपने प्रेम के भ्रम जाल में फंसाया। आपने मेरी पत्नी को मेरे विरुद्ध उकसाया और उसके पश्चात आपने परिवार के एक एक सदस्य की पति भ्रष्ट करके उन्हें मेरे विरुद्ध कर दिया। और अब आप मेरी पत्नी विरुद्ध मेरी पुत्री से विवाह करके आप सारे संसार के सामने मुझको पराजित दिखाना चाहते हैं। बस कीजिए स्वामी। बहुत हुआ। बस कीजिए, ये जो कुछ भी हो रहा है ये तो सती का भाग्य था। अब तो बस कीजिए और इस विवाह को अपनी स्वीकृति दे दीजिए। मैं जानता हूं प्रजापति, ये आपके लिए सहज नहीं होगा। परंतु सदैव वो नहीं होता जो मनुष्य चाहता, बल्कि होता तो वो है जो ईश्वर की इच्छा। और आपके द्वार को स्वयं भगवान सदाशिव आपकी पुत्री का वरण करने आए।
हूँ मैं महादेव को। आपके मानने से क्या होता है? किंतु आप ये तो मानते हैं ना स्वामी, ये विवाह दो शरीरों का नहीं दो आत्माओं का बंधन होता है। एक ऐसा बंधन जो सृष्टि के निर्माण से लेकर सृष्टि के अंत तक चलता आ रहा है, जन्मों जन्मांतरों तक चलता आ रहा है। इसे कोई नहीं तोड़ सकता स्वामी, कोई नहीं। इसलिए तो प्रजापति, आप प्रजापति होकर भी इस विवाह को नहीं तोड़ पाए। क्या क्या नहीं किया आपने शिव और सती के मिलन को रोकने के लिए? किंतु हुआ वही जो सती के भाग्य में लिखा हुआ। हां जी, हां जी स्वामी, सती का जन्म ही शिव के लिए हुआ है। समझ जाओ, आप अपने पिता होने का धर्म निभाइए और इस विवाह को स्वीकृति दे दीजिए स्वामी। यहाँ पर प्रसूति जी तो एक बार 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 ये चीजें बोल रही है कि भाई अब बस, लेकिन यार जो एंट्री हुई है ना यहाँ पर महादेव जी की, वो बहुत यार यहाँ पहले दिन देखी थी ऐसी। मैं बोलता हूँ ये एपिसोड जो है ना पार्ट दो भाई, बहुत ही मैं बोलता हूँ खतरनाक थे। जैसे भाई एक बार बोला सती जी ने कि महादेव जी को याद किया, उसी वक्त ही महादेव जी आ गए और ऐसी एंट्री सब पीछे आ गए, सब पीछे हट गए और सारे महर्षि भी आ गए पीछे से। महर्षि एक पार्ट दोबारा दोबारा बनाने को उन्होंने महर्षि देव जी ने उस वक्त भी सही एंट्री ली थी, पीछे से आए थे और आज भी वैसे ही किया। नहीं वे, वे दूल्हे के साथ बराती तो आते ही हैं, लेकिन नंदी जी यार पता नहीं किधर फंसे हुए, अगर वो होते तो और मजा आना था। लेकिन महादेव जी की एंट्री भाई काफी एक दबंग एंट्री थी यकीन करे, और ऊपर से भाई म्यूजिक वो एक परफेक्ट लगता है नो डाउट। लेकिन ये कि भाई प्रजापति फिर अड़ गए, वो तो उन्होंने नहीं बस, लेकिन उन्होंने भी आगे से सही कहा है कि भाई आपकी जो इच्छा होगी वही होगा। उन्होंने भी आगे से भाई महादेव जी का एक शुक्रिया उनको करना चाहिए। अब तो वो मानेंगे ही मानेंगे, अब तो उन्होंने जैसे भी है प्रसूति जी अपना जोर थोड़ा बहुत लगाएंगी और इन चीजों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ भी नहीं किया प्रसूति जी ने, एक दफा बातें सुनी और इस हद तक वो जो है ना उस पक्ष में चली गई है और यहाँ तक के भी प्रजापति को भी टक्कर दे रही है आगे से है। लेकिन ये कि आगे अब देखते हैं कि प्रजापति कैसे मानते हैं या क्या उनकी अब जिद होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, मान जाएंगे मानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।